हेलो फ्रेंड, क्या मंत्रा ये व्हाइट वाली L0 से पहले ये ब्लू वाली L1 बंद हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर ने कुछ वीडियो डाले जहाँ पे एक UIDAI की तरफ से मंत्रा को भेजी गई एक नोटिस है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि मंत्रा की ये नई वाली जो है ये डिवाइस, इसे इससे पहले बंद कर दिया जाएगा कुछ सुरक्षा कारणों को लेकर। तो लेके आए आपके लिए कंप्लीट वीडियो। आखिर ये जो सर्कुलेट हो रहे पे ये क्या है, इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से तर्क दिए हैं, लेकिन इसे अब सही और स्पष्टीकरण तरह हम आपको समझाएंगे। और आखिर ऐसा क्यों UIDAI ने किया और ये सर्कुलर जो हो रहा है ये किन्हें भेजा गया, क्या UIDAI ने खुद से जारी किया है, क्या किया गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपके पास मंत्रा की पुरानी डिवाइस है जो आप सोच रहे हो बंद हो जाएगी, आप जिसके लिए आप लेने की नए लेने की सोच रहे हो या फिर नए ले चुके हो और आपका ये अगर बंद हो जाएगा और आपके पास ये भी नहीं है, आपने नया परचेज किया तो आपका धंधा ही बंद हो जाएगा, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को स्किप के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात चलते देखते हैं वो नोटिस जो घूम रही हो क्या है। तो हमारे पास एक, मैंने YouTube पे किसी के वीडियो में से क्रॉप किया है, क्योंकि मेरे को भी ये ऑफिशियल सोर्सेस कहां से भेजे गए, किनको भेजे गए अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखने में ये लग रहा है इसे UIDAI के तरफ से मंत्रा कंपनी को भेजा गया है, जिसमें किसी ने इस चीज को लीक कर दिया और ये अभी लगभग अलग प्लेटफॉर्म पे लाइव है। तो ऐसा कुछ भी होता है तो मैं इसके स्पष्टीकरण तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हमारे पास आ रही है इसके तर्क पे आगे की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होगी ये वाली आई है, जिसमें कि मैंने कुछ डिटेल जैसे कि यहाँ पे F नंबर बहुत लोग शो कर रहे हैं मैंने हाइड कर दी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे जारी किया है, UIDAI हेड ऑफिस जो इनके यहाँ पे एड्रेस है दिल्ली की, जो यहाँ पे लिखा गया टू ऑल AUA एंड KUAS। तो यहाँ पे AUA यानी आधार यूजर एजेंसी एंड यहाँ पे KUA KYC यूजर एजेंसी, और यहाँ पे इंग्लिश सार लिखते हुए कहा गया जिसे मैं हिंदी अनुवाद जो लगभग सभी लोग इसी को कर रहे हैं, लेकिन इसे मैंने संक्षिप्त में कर दिया हिंदी में आपको समझ तक काफी आसानी हो। यहाँ पे इसका हिंदी सार है कि आधार प्रमाणीकरण परिस्थितिकी तंत्र में प्रमाणीकरण लेन देन करने वाले सभी AUA and KUAS जो ये कंपनी है, इसमें विषय दिया गया डिवाइस मॉडल MFS110 नए मंत्रा की L1 के लिए MS मंत्रा सॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी प्रमाण पत्र का अगला आदेश तक निलंबन यानी सस्पेंड अगले आदेश तक। तो ये जो नोटिस दी गई है ये स्पेशली UIDAI ने मंत्रा की कंपनी को भेजा गया है, मैंने जैसे शुरू में बताया था, और बीच में किसी ने लीक इस चीज को कर दिया जो आपके सामने सर्कुलेट होता दिख रहा है। अब इनमें मुख्य बातें कही गई है, जिनमें दो प्रमुख बातें, पहले यहाँ पे कहा गया है कि सर मैडम UIDAI कुशल और सुरक्षित तरीके से उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, सुरक्षा स्तरों को बढ़ाने के लिए UIDAI ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान लेन देन की सुरक्षा और इंड टू इंड अंत तक पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए हैं और L1 फिंगरप्रिंट पंजीकृत डिवाइस भी लॉन्च किए हैं। L0 डिवाइस को L1 क्यों कन्वर्ट किया गया, आपको मालूम है कि L0 डिवाइस में वीक सिक्योरिटी कुछ कारण से जो मानक होते वो पूरा नहीं हो पा रही, इसलिए L1 को लॉन्च किया गया हाई सिक्योरिटी के कारण। अब सिक्योरिटी क्या, ये समझो आप जो फिंगरप्रिंट देते हो, अगर कोई आदमी आपके आधार कार्ड के साथ आपका ये फिंगर को बना ले, बहुत सारे केस में आप सुने होंगे जमीन का पेपर कहीं कहीं का डाउनलोड करके फेक फिंगर बनाकर और आधार नंबर पता कर बहुत सारे फ्रॉड हुए थे उनके बिना फिंगर लगाए हुए, और जितनी भी कंपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस की वो सब फिंगर यानी आधार कार्ड से जुड़ा काम करता, चाहे वो KYC करो, आप पैसे विड्रॉ करो, कोई भी काम करो। तो यहाँ पे UIDAI एक मानक सेट करता है कि ये डिवाइस सर्टिफाइड है और इसकी सुरक्षा में कोई तरह का चूक नहीं होगी, और ये डिवाइस को इसे मैं ऑथराइज देता हूँ सर्टिफाइड करके, फिर ये डिवाइस को होता काम और इसे कर देने की इनको अंडर UIDAI के रूल को फॉलो करना पड़ता है, उसी पर जिस प्रकार से RBI और NPCI का रूल को हर बैंक और फिनटेक कंपनी फॉलो करती है। इसके सेकंड पॉइंट में हिंदी में संक्षिप्त इसके में पूरा ट्रांसलेट है ये जो आपकी समझ सको। सेकंड वाला कहा जा रहा है आधार प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाली MS मंत्रा सॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित डिवाइस मॉडल MFS110 में कुछ गंभीर सुरक्षा कमजोरियां बताई गई है। आधार परिस्थितिकी तंत्र की अखंडता की रक्षा करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए L1 डिवाइस मॉडल MFS110 के लिए MS मंत्रा सॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को
जारी प्रमाण पत्र संख्या जो मैं सिक्योरिटी के लिए ब्लर किया हूँ, जो ये सुरक्षा की जो संख्या जो सर्टिफाइड जो दिया गया था, वोट्स का डेट यहाँ पे 2020 है। इनके दिनांक जो है 3/10/2022 को L1 के लिए जो नोटिस जारी किया गया था कि आप बना सकते हो। मैंने सोचा ये डेट पुराना डेट था, लेकिन ये सर्टिफाइड का डेट जिस दिन ये जारी किया गया था, जिस दिन इसे बनाने के ऑर्डर दिए गए थे, को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। कुछ लोग कहना है कि 3 महीने तक है, दिसंबर तक है, इसके बीच में इनको सही करना होगा L1 की। हो सकता है आपके जितने डिवाइस उसे बैक कर लिया जाए, या फिर आपको एक नया अपडेट जो इसकी सिक्योरिटी बीच हुई है जिसमें कमियां है उसे करके एक नया वर्जन आपको देखने को मिले मंत्रा L1 के ऊपर। मोर्फों को इतना दिक्कत नहीं, इसके अलावा अलग कंपनी और जिसे देखकर सजग हो जाए, कोई कमी होगी तो उसे वो पूरा करके ले आएंगे। मोर्फो चल रही है मंत्रा L1 के बारे में। तीसरा, इसके समाज प्राधिकार के अनुमोदन से जारी किया गया, बाकी यहाँ पे डेट है और इसे जो जारी किया गया उनका नाम है, साइन है, और साइन की जो उनका डेट जो है 27/9/2024 ये दिया गया। तो ये पूरा इस नोटिस का सारांश था। अब आप क्या करोगे, आप लेने जा रहे हो तो क्या अभी ले, तो मैं कहूँगा अभी रुको। अगर आपके पास पुराने ये वाले डिवाइस है तो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि संभवतः है कि इसकी डेट बढ़ाई जाएगी। जो नया परचेस कर लिए है, मेरे पास दोनों है तो मैं चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सिर्फ इसी को परचेस कर रहे तो हो सकता है 30 सितंबर बाद इसे शायद बंद कर दिया जाए, यानी ये वर्क में काम ना करे। अभी आने वाले वक्त बताएगा जब आए उसके वीडियो लेके आ जाऊंगा। आपको जानकारी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो जरूर लाइक कर दे। अब दिक्कत किनको आई, जिनको सिर्फ यही डिवाइस और नया परचेस कर लिया, अगर ये वर्क ना करे उनके साथ परेशानी हो सकती है, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन जहां तक संभवता है कि पुराने L0 से पहले L1 बंद हो जाएगी, नंबर किया गया तो जरूर इसके काम को भी रोक दिया। फिलहाल अभी ये वर्क कर रहा है, मैंने मोबाइल लगा ट्राई किया है। आज की डेट में जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 29 सितंबर को हमारा ये डिवाइस वर्क में है। तो ये है मंत्रा L1 के ऊपर जारी UIDAI के नोटिस, जो स्पेशली इसे किसी भी प्रेस ली, मैंने काफी जगह सर्च किया, कोई प्रेस नहीं, स्पेशली UIDAI की तरफ से स्पेशली मंत्रा कंपनी जारी किया गया, जिसमें बीच में इसे किसी ने लीक की गई है और ये सर्कुलेट हो रहा है। बाकी जो भी होगा आपको अब अक्टूबर महीने में ही पता चलेगा कि कौन डिवाइस वर्क करें कौन नहीं करें, क्या पता तब तक मंत्रा कंपनी कुछ इसमें जुगाड़ लगाकर इसे अपडेट कर ले, कमी को पूरा कर ले, तो हो सकता है दोनों वर्क करें, हो सकता है ये वाली वर्क करने लगे और आपका पुराना बंद हो जाए। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि L0 की डेट बढ़ेगी। और कई सारे लोग के डिवाइस की RD एक्सपायर हो गई है, तो इसकी RD मात्र ₹50 में हो रही है। अगर बड़ी डेट तो उसमें भी आपको काम कट जाएगा। फिलहाल अगर RD एक्सपायर हो गई है, ₹50 शुल्क देकर इसकी RD कर सकते हैं। RD कैसे करना है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूं, आपको सामने देखने उसे चेकआउट कर सकते हैं। और भयभीत ना हो, इंतजार करें, एंड जब फाइनल डेट आता है तो मैं जरूर उसके लिए रिगार्डिंग वीडियो या कमेंट में मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।